हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियोस भी जो आप बोल रहे थे उसमें कंटेंट में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स वीडियोस भी आप लोगों को मिल रहे होंगे, उन पर भी आप लोग देख सकते हो, और लॉन्ग फॉर्मेट में भी। शॉर्ट फॉर्मेट में थोड़ा सा बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा इस वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आप लोगों के यूजी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, बट उनके में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे सब्जेक्ट वगैरह उनके फिल होके आ रहे हैं, बट कोकरकुलर सब्जेक्ट जो उनका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जैसे 5 सब्जेक्ट उसमें फिल होके आ रहे हैं, बट कोकरकुलर का ऑप्शन उसमें नहीं दिखा रहा है। कई बच्चे रात में ट्राई कर रहे थे, जल्दी जल्दी जाना मचती है ना लोगों को। अभी साइट हो सकता है वो डेवलप कर रहे हो थोड़ा सा, आप उसमें कंटेंट थोड़ा सा अपडेट कर रहे हो आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ, मैं हर चीज़ टेक्निकली सोचता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग रही हैं और मैं मतलब थोड़ा बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह डेवलप करना, तो मैं उसी तरीके से सोचता हूँ कैसे साइट वर्क कर रही है, कैसा बिहेवियर कर रही है और कहाँ पे ग्लिच आ रहा है। तो सारी चीज़ें उसका कोड वगैरह देख के पता चल जाती हैं कि क्या क्या अभी इसमें चेंजेस होने बाकी हैं। ठीक है, तो उस परसेप्शन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ चीज़ें। तो और ऐसा ही उसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा था, फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड जो है नहीं हो रहा था, जिस साइज में मांगा गया था उस साइज में करने पर भी नहीं हो पा रहा था। कल नाइट में हो सकता है एक बार में काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप 1 से 2 दिन में ट्राई कर सकते हो, कल परसों में, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास। 10-11 तारीख उसका लास्ट डेट है दिसंबर में, और जो पीजी के यूजी के जो आप लोगों के एग्ज़ाम है, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, ऑलरेडी उनकी डेट आ चुकी है जो सेकेंड ईयर और उसमें थर्ड ईयर में है। ठीक है, मतलब जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में यूजी में बीए बीएससी बीकॉम इन 3 कोर्सेज की आई है अभी, बीबीए बीसीए वगैरह और जितने भी न्यू कैंपस में कोर्सेज चलने लग रहे हैं उनकी नहीं आई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों का अभी तक चलने लग रहा है सिस्टम। उनकी जो एग्ज़ाम है सभी के 17 से चालू हो रहे हैं, 17 मतलब 17 दिसंबर से चालू हो रहे हैं, 17 दिसंबर से ही सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी के भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोगों को चलने लग रहा है, और तभी से आप लोग फर्स्ट ईयर वालों जो है, जो बच्चे हैं वो भी रेडी रहें, तभी से थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे होगी, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स हैं, थोड़ी सी आगे पीछे होगी, 20-21 तक समझ लो हाईएस्ट, 3-4 दिन और एग्जाम फॉर्म बढ़ जाएगा, बस इससे ज़्यादा फिर नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे कर लेंगे, सारे बच्चे होशियार हैं। अब बैक फॉर्म वगैरह में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी उनका मैंने बोल दिया कॉलेज में जाके DSW वगैरह ऑफिस में करो, हम लोगों से जितनी मदद हो सकती थी ट्वीट पे कर दिया है, ट्वीट पे कोई रिस्पांस नहीं आया, अपना वही सब गाने गुणगान गाने में लगे रहते हैं, उन लोगों का अलग मीडिया चलता है भाई साहब। ठीक है, हर दिन मीडिया में खबर आएगी, लेकिन बच्चों का जो प्रॉब्लम, जो बेसिक इशू है जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके लिए उनसे कम मतलब रहता है। ठीक है, अपना गुणगान करते रहते हैं, अलग ही मीडिया चलता है भाई इन लोगों का। ठीक है, अभी देखना तुम, अलग से न्यूज़पेपर आता है पूरा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसमें न्यूज़ चिपका होगा हर पेपर का, जागरण में ये आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, यार वो सब चीज़। ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, अभी ट्विटर पे आप लोग देख लो, हम लोगों के LU@Des पे, उस पर देख लो, हैं हम लोग बराबर ट्वीट करते हैं कि अच्छा ये काम कर दिया यूनिवर्सिटी ने, बहुत अच्छी बात है, हैं ये काम कर दिया। तो कुछ बच्चों के लिए भी तो करो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए रिजल्ट का, एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपरली, वो चीज़ ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल से देख रहा हूँ, जो और भी पुराने सीनियर हैं वो 10 साल से देखने लग रहे हैं, बट वो चीज़ें त्यों की त्यों ही हैं। अभी रिजल्ट आता है उसमें बैक लग जाती है बच्चों के, जो एग्ज़ाम देने गए उसमें भी एबसेंट लग जाता है, तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चलती रहती हैं। तो जितने भी यूजी के बच्चे हो भाई साहब आप लोग, और जो भी हो, तो तैयार रेडी हो जाओ, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपना प्ले स्टोर वाला आप लोगों का ऐप का, उसमें 99 में जितने भी बच्चे हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए जितने भी कोर्सेज हैं सभी का 99 में कर दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग हर सेमेस्टर का आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। जिस सेमेस्टर का नहीं है वहाँ पर अपडेट, वो बता देना, अपडेट करवा दिया जाएगा 99 में आप लोगों को, PYQs और जो आप लोगों के नोट्स वगैरह वो सारे के सारे मिल रहे हैं, इससे कम नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने बोला था कम करने के लिए, हम लोगों ने कम कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को चलने लग रहा है। एग्ज़ाम वगैरह की डेट हमने आपकी बता दी है, पीजी के एग्ज़ाम भी जनवरी में हो सकते हैं, और उनके एग्ज़ाम फॉर्म भी मतलब नोटिस अभी तक नहीं निकाली यूनिवर्सिटी ने, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म उनके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर ओपन हो रहे हैं तो। अभी तक यूनिवर्सिटी ने, खैर अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, यूजी का नोटिस आया था बस, पीजी का अभी तक कोई नोटिस तो मुझे तो नहीं मिला है, आप लोगों को अगर मिला हो तो भेज देना। ठीक है, और फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं तो आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के, जो भी बच्चे पूछ रहे थे बैक फॉर्म का, तो बैक फॉर्म बैक आप लोगों की कब लगती है, जब जिस पेपर में आप लोगों को, मान लीजिए 80 नंबर का पेपर है या 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें 33 आप लोगों का पासिंग मार्क्स है, ऐसी 75 का यूजी का होगा पेपर आप लोगों का, तो उसमें 25 पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 1/3 पासिंग मार्क्स रहता है, 33%। ठीक है, इतना मैथ आप लोगों पढ़े होंगे,
तो उसमें से 25 नंबर में से अगर आप लोगों के 25 या पासिंग मार्क्स से कम है और फिर लिख के आ रहा है रिजल्ट में, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा बैक पेपर आप लोगों को देना होता है। और इम्प्रूवमेंट आपको कब देना है, इम्प्रूवमेंट आपको जब देना है जब आप लोग उस सब्जेक्ट में पास हो बट सेटिस्फाइड नहीं हो मार्क्स से, आपको लगता है आपके नंबर और ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, तो उस वजह से फिर आप कर सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हो। इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर दोनों की 20,000 रुपये इन लोगों ने कर दिया। और एग्जम्प्टेड कब होता है, एग्जम्प्टेड जब होता है जब आप लोगों का उस पर्टिकुलर कोर्स का टाइम पीरियड निकल गया होता है। जैसे मान लीजिए बीए आप कर रहे हो, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और वो 3 साल का आप लोगों का कोर्स है, फोर्थ ईयर में आप लोग एनरोल नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो 3 साल में मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर में ही भगवान ना करे आपके बैक लग जाए, और बैक लग जाती है 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में, तो आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर वो क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपके कोर्स की जो पीरियड था वो 3 साल का ही था स्टैंडर्ड, आप लेकिन बस फोर्थ ईयर में दे रहे हो क्योंकि आपका बैक वगैरह लग गया है, तो इस ये साल में इस कंडीशन में आपको एग्जम्प्टेड फिल करना होता है, और फिर वही पेपर आप लोग देख सकते हो एनईपी में ऐसा हो गया है, रिलैक्सेशन मिल गया है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो होपफुली इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और भाई साहब आप लोगों ने मैसेज दिए, 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करो, और 10K टारगेट है अभी तो फिलहाल, ठीक है, और नए साल पे 10 हो जाएं हम लोगों के, 10K हो जाएं ये मैं चाहता हूँ, ठीक है, अभी 9K भी नहीं हुए हैं, तो अभी लंबा सफ़र है, 1500 सब्सक्राइबर और चाहिए कम से कम, तो इस साल नए साल पे अगर 10K हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक मीटअप भी करवाएंगे फिर, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।